वेलकम बैक टू माय चैनल कार्स ऑफ कार्स है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो वैगनर 2015 मॉडल में 9-inch 800 पे लगाने का पूरा इंस्टॉलेशन। तो हमारे पास आई हुई है वैगनर 2015 2012 से लेके 2018 तक यही वैगनर आई है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से कंपनी फिटेड हम प्लेयर खोलते हैं और नया प्लेयर किस तरह से लगाते हैं, कपलर टू कपलर वायरिंग किस तरह से की जाती है और रिवर्स पार्किंग कैमरा हम कहाँ लगाते हैं। ये प्लेयर हम इसमें लगाने वाले हैं 9-inch एंड्रॉइड है, 2GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ ही आता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा बैक साइड के ऊपर हम लगाएंगे। इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो दिखाते हैं। एंड्रॉइड हम इसमें लगाने वाले हैं, हमारे पे कई सारी वैरायटी के एंड्रॉइड मिल जाएंगे, पैनासोनिक, हेमन, क्लोटो, एमके, एमट्रैक्स। 5000 रुपये से एंड्रॉइड की स्टार्टिंग होती है, 5000 से लेके 6-7-8 मैक्सिमम आपको 35,000 के एंड्रॉइड हमारे पास मिल जाएंगे। अगर ब्रांडेड में जाना चाहते हो तो 2 ईयर वारंटी के साथ ब्लॉक पंक का प्लेयर आप ले सकते हो, 20,000 का आएगा, 2 ईयर कंपनी से आपकी वारंटी मिलेगी। बाकी हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज है 5000 से लेके 7,500-8,000 तक आपको अच्छी कंपनी का एंड्रॉइड मिल जाएगा विद 1 ईयर वारंटी के साथ। चलिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से हम प्लेयर को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ओल्ड प्लेयर कैसे निकालेंगे और सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग किस तरह से। तो दोस्तों ये है वो गाड़ी वैगनर 2015 मॉडल जिसमें हम लगाने वाले हैं 9-inch एंड्रॉइड प्लेयर। सबसे पहले इनसाइड कंपनी फिटेड जो प्लेयर आता है वो आपको दिखाते हैं कैसा आता है। तो कंपनी फिटेड प्लेयर कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसको हम यहां से रिमूव करेंगे और नया एंड्रॉइड प्लेयर फिट करेंगे। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये पार्ट को थोड़ा लूज करके इस तरह से अपर की तरफ किया जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है। इसके अंदर 2 स्क्रू होते हैं, उसको खोला जाता है। तो ऊपर से ये छोटा फ्रेम हमने निकाल दिया है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद 2 स्क्रू होते हैं, ये दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे और प्लेयर को खींच लेंगे। बस इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादातर मारुति की कोई भी गाड़ी हो प्लेयर लगाना बहुत ही इजी होता है, 5 मिनट के अंदर एंड्रॉइड प्लेयर लग जाता है। जो समय लगता है वो सिर्फ कैमरे में ही लगता है। तो रिवर्स कैमरा भी हम इसमें लगाने वाले हैं, पूरा आपको प्रोसेस दिखाएंगे। प्लेयर का 2 स्क्रू खोलने के बाद इस तरह से खींच लिया जाता है, देखिए प्लेयर हमारा बाहर आ चुका है। कंपनी फिटेड प्लेयर में सॉकेट टू सॉकेट जो वायरिंग होती है, एक मेन कपलर होता है वो ये होता है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। दूसरा ये जो है ये है एंटीना की पिन है, इसको भी यहाँ से रिमूव करते ही प्लेयर पूरा बाहर आ जाएगा। और आपको दिखाते हैं प्लेयर को बाहर निकालने के बाद जो हम अपना प्लेयर लगाने वाले हैं वो किस तरह से लगता है। तो इसे निकालने से पहले एक वायर और होता है, वो है साइड इंडिकेटर का, वो भी हमने रिमूव कर दिया है। ये देखिए ये नीचे वायर है वाइट सॉकेट, उसको हमने रिमूव किया है, एक ऊपर का सॉकेट रिमूव किया है और प्लेयर पूरा बाहर आ चुका है। तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके प्लेयर मंगाते हो तो इस तरह से आप खुद भी प्लेयर अपने हाथ से गाड़ी में लगा सकते हो। तो हमारा प्लेयर रेडी है, ये देखिए इस तरह से प्लेयर हमारा आता है। 9-inch एंड्रॉइड है, 2GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ ही आता है। खोलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होती है वायरिंग। ये देखिए ये गाड़ी का कपलर है और ये एंड्रॉइड का कपलर हमारा है। ये वाला पार्ट जो है गाड़ी के कपलर में इस तरह से लगता है और ये जो ब्लैक वाला है ये एंटीना का है, ये प्लेयर में लगेगा। ये ब्लैक वाला पार्ट हमारे प्लेयर में लगेगा। यही कपलर टू कपलर वायरिंग होती है जो आपको दिखाएंगे किस तरह से की जाती है। बाकी ये जो सब केबल हैं जो माइक के हैं, USB के हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। माइक हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो प्लेयर की जितनी भी एसेसरीज होती है जैसे कि माइक है, GPS है, USB केबल है, कपलर टू कपलर वायरिंग है, ये जो आप देख रहे हो ये कपलर है, हमने गाड़ी के कपलर में लगाया है, ये पार्ट प्लेयर में लगाएंगे, ये सब प्लेयर के साथ ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए सारे कपलर सारे सॉकेट एक एक करके प्लेयर के अंदर लगाते हैं। सबसे पहले जो हम सॉकेट लगाने वाले हैं ये है रिवर्स कैमरे का सॉकेट, ये हम इस पे यहाँ इस जगह पे लगाएंगे, लगा के इसको हल्का सा पुश करेंगे और ये लग जाता है। इसके बाद हम सॉकेट लगाएंगे, ये आप जो देख रहे हैं GPS का सॉकेट है, USB केबल हमने यहाँ डाली हुई, ये केबल यहाँ है, ये USB केबल को हम यहाँ से ऊपर निकालेंगे। उसका जो आप USB लगाओगे वो डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में आएगी, ये डैशबोर्ड आप खोलोगे इसके अंदर USB केबल आ जाएगी। यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो सॉन्ग सुनने के लिए। तो USB केबल का एक पार्ट डैशबोर्ड में है, दूसरा पार्ट यहाँ से निकाल के प्लेयर के अंदर यहाँ पे जाएगा। 2 USB केबल होती हैं, एक पेन ड्राइव USB लगाने के लिए, दोनों में भी USB लगा के सॉन्ग सुन सकते हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसलिए देखते हैं आपको वेबकैम लगाना हो तो डायरेक्ट प्लेयर से कनेक्ट हो जाता है। ये जो हम केबल लगा रहे हैं ये है माइक की, इसमें एम्पलीफायर वूफर की वायरिंग इसी के अंदर होती है, माइक हमने यहाँ लगाया हुआ है। अब ये जो हम केबल लगा रहे हैं ये GPS की, इसको लगा के इस तरह से इसका नट टाइट किया जाता है, नेविगेशन क्लियर चलेगा इससे GPS लगाने से, ये बेनिफिट होता है। हम इसमें GPS लगा रहे हैं जो प्लेयर के साथ ही आता है।
तो हमने एक एक करके सारी वायरिंग जोड़ दी। ये देखिए सारा मेन कपलर भी हमने जोड़ दिया है। इसके बाद प्लेयर को इस तरह से रख के जिस तरह से हमने खींचा था उसी तरह से इसको हम पुश करेंगे। सारी वायरिंग को अंदर अच्छी तरह से कर देंगे। जहाँ हमने सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग करी है वहाँ वायरिंग टेप जहाँ मारना चाहिए आरसी केबल पे वहाँ मारेंगे। इस तरह से पुश करने के बाद प्लेयर फिट हो जाता है। और इसके बाद ये ऊपर का जो केप हमने खोला था उसको इस तरह से बैठा देते हैं और वर्क फिनिश हो जाता है। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने पूरा प्लेयर बहुत ही जल्दी इसमें इंस्टॉल कर दिया है। चाबी ऑन करेंगे और प्लेयर चालू हो जाएगा। कैमरे की फिटिंग अभी बाकी है, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको प्लेयर चालू करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम की ऑन करते हैं प्लेयर चालू हो जाता है। प्लेयर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल 00 फिनिशिंग आपको हर एंगल से देखने को मिलेगी। कहीं से कोई गैप नहीं आएगा जिससे ये लगे कि प्लेयर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। बिल्कुल कंपनी फिटेड ये प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं रिवर्स कैमरे की। रिवर्स कैमरे का वायर फ्रंट से लेके यहाँ से पूरा पीछे जाता है। ये रबड़ के अंदर से इस तरह से इस छोटे से वायर को पीछे तक ले जाते हैं और पीछे जाके बम्पर में कैमरा लगा देते हैं। वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से कैमरा लगाया जाता है। तो पहले आपको प्लेयर की टच क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए स्पीड एकदम फास्ट है। वीडियो क्वालिटी आपको दिखाएंगे। वीडियो क्वालिटी इसमें फुल HD आपको मिलेगी। ये एक सैम्पल सॉन्ग इसके अंदर आता है। ये देखिए वीडियो क्वालिटी फुल HD किसी भी एंगल से आप देख सकते हो, एकदम क्लियर आपको वीडियो क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी। साउंड के लिए इसमें आता है DSP मोड, यानी डिजिटल साउंड पैनल आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे ही DSP के अंदर आप जाते हो तो जोन में जाके आप कोई भी एक स्पीकर बजा सकते हो, लेफ्ट का, राइट का, फ्रंट रियर, कोई भी एक स्पीकर आप बजा सकते हो। अब आपको दिखाते हैं रिवर्स कैमरा हमने जो लगाया हुआ है। रिवर्स का गियर डालते ही फुल HD नाइट विजन कैमरा आपको लुक देखने को मिल रहा है। पीछे जो ये देखिए दोनों बिल्डिंग इको जा रही है, फुल HD कैमरे का व्यू आपको मिलेगा। सेम नाइट में भी इसका यही लुक आपको मिलेगा। कैमरा हमने बैक साइड के बम्पर के सेंटर में लगाया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि कैमरा हमने कहाँ लगाया हुआ है। तो ये कैमरा हमने यहाँ लगाया है सेंटर में। इस तरह से ये कैमरा लगाया जाता है बैक साइड में ड्रिलिंग करके। तो दोस्तों ये था हमारा वैगनर का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कार्स और कार एक्सेसरीज होलसेल डीलर वडोदरा गुजरात।